हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, वापस आए हैं करने सेकंड पार्ट। कौन सी वीडियो का? वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्य एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई खादिम हुसैन रिजवी वाज एलिमिनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। तो काफी आई ओपनिंग है, शॉकिंग न्यूज और डिटेल्स बता रहे हैं जिसका मुझे तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पाकिस्तानियों को ये बोलेंगे तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है, तुम आओ हमें पैसे दो, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा आगे क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी इतना नजर रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर जितना हम रखते हैं। एक बार हमें इंडिया के बारे में नहीं पता लेकिन पाकिस्तान के बारे में पूरी नॉलेज है। तो वैभव JUIF जो है मौलाना फजल रहमान की पार्टी 1932 में बनी और 1945 तक ये रजिस्टर हुई थी फॉर्मली, लेकिन 1932 की बनी ये पार्टी। ये बनी थी भारत की आजादी के लिए, राइट। अब इसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई भी करी और स्ट्रगल भी कराया और कुर्बानियां भी दी हैं। मौलाना फजल रहमान का एक बात कहती, मौलाना फजल रहमान इस पार्टी के अभी चीफ हैं, उनका यह कहना है कि साहब हमारी पार्टी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, हमारी पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं और जो पाकिस्तानी फौज है उसने क्या करा, वो तो अंग्रेजों के साथ थी और हमारे खिलाफ लड़ी थी, तो इन्होंने ना तब कुर्बानियां दी ना आज कुर्बानी दे रहे, कुर्बानी तो हम दे रहे हैं, जानते हैं कुर्बानी। और उन्होंने पाकिस्तानी फौज को ललकारते हुए एक और बात बोली कि साहब हम लोग, यानी कि मौलाना और मौलाना जैसे जो लोग हैं, हम लोगों ने अफगानिस्तान से रूसियों को पहले और बाद में अमरीकनों को उखाड़ के फेंक दिया, तो पाकिस्तानी आर्मी क्या बेचती है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मौलाना फजल रहमान का, पाकिस्तानी फौज क्या बेचती है भाई, जब हमारे सामने रूसी नहीं टिके अमरीकी नहीं टिके, तुम कौन हो भाई, तुम क्या बेचते हो बताओ। तो ये तो एक चीज है। और एक बड़ा स्ट्राइडेंट, एक जिसको कहते हैं कि पोजिशन ले ली मौलाना फजल रहमान ने, लॉन्ग मार्च करवाया था पिछले साल उन्होंने। अब वैभव एक और चीज हमें देखनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो वी मस्ट दिस थिंग। हमने पहले एक बार बोला था ना कि 3-4 महीने में इमरान चला जाएगा, हमने डिफेंस और ऑफेंस में बोला था, फिर वो कोरोना आ गया, कोरोना के चलते बच गया। अब जो PDM का जलसे हो रहे हैं ये फिर से वही चीज दोबारा ट्रैक पे आ गई इमरान खान को निकालने की, और ये जलसे चलते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और इमरान खान को याद होने चाहिए वो दिन जब नवाज शरीफ के खिलाफ ये कंटेनर पे चढ़ के खड़ा हो जाता था ना और बोलता था कि मैं घेर लूंगा इस्लामाबाद को और जब तक नवाज शरीफ नहीं जाएगा, एहतसाब होगा साहब, जब तक नवाज शरीफ नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। तो द शूज ऑन द अदर फुट, बैटिंग सबकी आती है, तो भाई अब दूसरे लोग हैं उनकी बैटिंग आई है। अब ये जो लोग हैं ये, और मौलाना फजल रहमान ने बोल रखा है कि साहब ये देखो हम जमहूरी मौलाना हैं, कमिंग बैक टू हिम, ये कहता है कि हम जमहूरी मौलाना है, यानी कि वी आर डेमोक्रेटिकली इंक्लाइंड, डेमोक्रेटिकली माइंडेड मौलानाज, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जमहूरियत में विश्वास करते हैं, हम तुम्हारे वो अफगान तालिबान वाले नहीं है जिनको तुम दो रोटी के टुकड़े डालो और दो मिलाते तुम्हारे आगे पीछे आए, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हम लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो काफी मतलब जिसको कहते हैं ना कि कड़वा बोलने वाला इंसान है वो, लेकिन सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मैंने उसके और भी इंटरव्यूज देखे हैं मौलाना फजल रहमान के, बहुत कड़वा बोलता है वो, बहुत ज्यादा, लेकिन झूठ नहीं बोलता वो। तो उसने बोल दिया, इसको टाइट करके रखा है। तो अब लोग डर रहे हैं कि साहब PDM आएगा, PDM के जलसा होगा अगर PDM घुस गया इस्लामाबाद के अंदर। मैं कह रहा हूं PDM वाले 500,000 लोग लेके घुस गए इस्लामाबाद के अंदर, क्या रहेगा इमरान खान का फिर? या तो आप मार्शल लॉ लगाए देश में, क्योंकि एक जगह नहीं होगा ये PDM का जलसा, कोई बोले PDM का जलसा देखे गुजरांवाला में भी होगा, कराची में भी होगा, लाहौर में भी होगा, हैदराबाद सिंध में भी होगा, राइट, आपके आपके सराइकी इलाकों में भी होगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा, बलोच, हर जगह होगा ये पूरे मुल्क में। पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी वाला जो होगा, ये होगा धरना उनका इस्लामाबाद के हार्ट में, जो रेड जोन जिसको कहते हैं ना, रेड जोन के अंदर ही अंदर, जहां पे कंटेनर लेके इमरान खान खड़ा था ना, कि जो मोदी का यार है गद्दार है गद्दार है, जो नवाज शरीफ के लिए कह रहा था ना इमरान खान। अब द शूज ऑन द अदर फुट, जैसा मैंने बोला, अब ये इससे एहतसाब होगा कि बेटा तुम क्या कर रहे थे, अब तुम जवाब दो, अब घुस जाएंगे अंदर देखना इस्लामाबाद के, और उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं मामलाज करने के लिए लोग। इमरान खान ने जब जलसे करे थे ना अपने नवाज शरीफ का तख्ता पलटने के लिए, तो वो जो लोग जलसे में आए थे, हजारों लाखों लोग ना, वो लाए गए थे, वो आए नहीं थे, उसमें एजेंसीज का रोल था, उसमें मीडिया का रोल था, उसमें सबको डीप स्टेट पाकिस्तान, क्योंकि सब चाह रहे थे नवाज शरीफ हटे हटे, तो फौज ने काफी पुश करा। नवाज शरीफ ऐसी एंटी आर्मी हुआ करता था, राइट फ्रॉम मुशर्रफ डेज ही वाज नोन,
इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी है। इन्होंने ये गड़बड़ कर दी कि साहब पंजाब के एक लीडर को और कदावर नेता को, पंजाब के, पाकिस्तान में पंजाबी होना, सुन्नी होना और मुसलमान होना, ये तीन चार अगर चीज़ें हैं आपके पास तो यू आर एट द टॉप ऑफ द फूड टेबल, और वो सब है। और नेता है बहुत तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, ही इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लीडर। अब इन्होंने क्या करा कि उसको तो कर दिया बाहर, वो दहाड़ रहा है बाहर से, और उसने नाम लिए बाजवा के, उसने नाम लिए जनरल फैज के, इमरान खान का तो उसने कुर्ता पैजामा फाड़ दिया है। अभी और बोलेगा वो रुकेगा नहीं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं ना कि मरियम नवाज पे प्रेशर डाला और कैप्टन सफदर को आपने जेल में डाल दिया और उठा लिया और ये कर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अपने रास्ते चल चुका है, इज बर्नड हिज ब्रिजेस। इसने ही है जिसको कहते हैं ना कश्तियां जलाना, पुल जला दिया अपने, अब ये वापस नहीं जाएगा, ये लड़ेगा नवाज शरीफ, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि खादिम हुसैन रिजवी को मारने का एक और इनका ना एक 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 और एक कारण भी था, एक वजह और थी कि एक तो वो इन जलसों से परेशान थे, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वाले जो जलसे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, पीडीएम का जलसा एक इनके सर पे, एक कनपट्टी पे, एक दूसरी कनपट्टी पे खादिम हुसैन रिजवी था। अब ये लोग फंस गए बीच में, क्या करें क्या करें। इमरान खान को जैसे कि मैं इंडिया के किसी लीडर का नाम नहीं लूंगा, पर कुछ है ना लीडर इंडिया के जो लगातार इलेक्शन हारते रहते हैं, 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 लेकिन आपको कहना पड़ता है कि हमारे लीडर यही, हमारे लीडर यही, हमारे लीडर यही, एक लॉयल्टी होती है। तो कुछ एलिमेंट्स है पाकिस्तान में जो इमरान खान के लिए वही लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करें, ही इज इमरान खान फॉर देम इज अ यूजफुल इडियट, वो कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। नवाज शरीफ ये है कि ही नोज ही इज अ मास लीडर, फर्क दोनों में यही है। नवाज शरीफ को भी जियाउल हकी लेकर आया था पॉलिटिक्स में, लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान में सबसे बड़ा फर्क है कि नवाज शरीफ को एक आम आदमी उसको कबूल करता है कि मेरा लीडर है, आम पाकिस्तानी, वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, ये तो पैराशूट से आया इमरान खान। अब हुआ क्या है, ये जलसे हो क्यों रहे हैं, इसमें कई वजूहात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात महंगाई की है, और ये हम नकार नहीं सकते। महंगाई पाकिस्तान में, अब ये जनरल वनरल है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई का, दे डोंट केयर, उनको तो फट से आप बाहर जाइए और यू नो विदेश, डबल डबल पासपोर्ट इन सबके, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो इसके मर गया है। और अब पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लोजन, मरता क्या ना करता वाले उनकी हालत है पाकिस्तानियों की, मरता क्या ना करता, क्या करें, खाने के लाले पड़ गए। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है एशिया में जिसमें कि, या एक दो ऐसे और मुल्क होंगे पाकिस्तान के अलावा, जहां पे जो एक फैमिली एक्सपेंडिचर है खाने पे सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं पाकिस्तानी। फिर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन एनीथिंग अगर आप एक यूनिट वाइज लें तो खाने पे सबसे ज्यादा है पाकिस्तानियों का एक्सपेंडिचर, और खाने की ही चीज इतनी महंगी हो गई, वो बिल्कुल पागल हो रखे हैं वहां पे लोग। तो ये लोग, और सिर्फ इस्लामाबाद वाली बात नहीं, देखिए महंगाई जो गरीब पे पड़ती है, चाहे वो क्वेटा पे हो, चाहे वो पेशावर पे हो, या फिर वो गरीब इस्लामाबाद की सड़क पे हो, अभी मार तो बराबर पड़ रही है सबको, और अब सब लोग आ रहे हैं। तो ये लोग लाए नहीं गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से खुद लोग सड़क में आ रहे हैं, और ये पाकिस्तानी फौज को बहुत डरा रही है चीज अंदर से, इसलिए पाकिस्तान एक चाइना का फैक्टर है जो हमने डिस्कस करा कि सीपैक बंद हो गया, पाकिस्तानी फौज डेस्परेट है। दूसरा इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनका हलवा बना रखा है, बुरी तरीके से शेलिंग कर करके मार मार के टारगेटेड हिट्स हो रही है, टारगेटेड स्ट्राइक्स हो रही है। तीसरी चीज ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो चल रही है, जो हर जगह जलसे कर रही है। दूसरी चीज है मौलाना जो अब चाइना से सवाल पूछ रहा है, अब जिसको मार दिया उन्होंने, मर्डर कर दिया, ये सब चीजें हैं। और मीडिया का रोल, मीडिया दुबक के बैठा हुआ है। पेमरा की तरफ से एक नोटिस चला गया, मीडिया सब बंद। और मीडिया को भी पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा, सब चुपचाप बैठे हुए। वैभव, एक तो उन्होंने गलती करी कि नवाज शरीफ को एक झूठे केस में फंसाया, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, कोई इल्जाम नहीं, कोई प्रूफ नहीं, सादिक और अमीन नहीं था, उड़ी उड़ी बातें, रिलीजियस बातें, दीन की बातें, सादिक और अमीन नहीं था, डालो उसको जेल में, ये करो वो करो, यही तो चार्ज लगाया था उसके ऊपर। अब क्या करा कि इन्होंने उसको जलील करा, उसकी बेटी मरियम नवाज की इज्जत पामाल करी। मरियम नवाज इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मेरे बाथरूम के अंदर इन्होंने सीसीटीवी कैमराज लगाए। अगर मरियम नवाज का दरवाजा तोड़कर आप उसके बिस्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज को उसके वालिद के सामने सिर्फ हक बात करने पर गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज के कमरों और बाथरूम्स में कैमराज लगा सकते हैं, ये हुआ है मेरे साथ, अगर आप मरियम नवाज के
हर चीज को आप उस पर नजर रख सकते हैं, टैप कर सकते हैं। अगर आप मरियम नवाज के ऊपर हमले, जाती हमले करवा सकते हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी औरत महफूज नहीं है। उसके दामाद के साथ ज्यादतियां करी है ना, कैप्टन सफदर के साथ, मैं नवाज शरीफ के खानदान की बात करूं, तो नवाज शरीफ इज एज पंजाबी एज पंजाबी गेट्स। मतलब नवाज शरीफ से ज्यादा पंजाबी कोई होता नहीं, वो अपने आप को कश्मीरी बोले कि मैं ओरिजिनली कश्मीरी, बेसिकली नवाज शरीफ इज पंजाबियत। अगर पाकिस्तान की पंजाबियत है वो नवाज शरीफ है। और उसके ऊपर एक तो आपने एक मास पंजाबी लीडर को जिलावतन करवा रखा है जबरदस्ती बाय थ्रेट, और दूसरा इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, एक पंजाबी मौलाना को मार दिया, खादिम हुसैन रिजवी। आप उसकी तकरीरें देखें, उसकी 90% तकरीरें पंजाबी में है भाई। सो ही अपील्ड, वो क्यों पंजाबी में तकरीरें कर रहा है, क्योंकि गांव गांव में उसकी तकरीरें लोग सुनते हैं, जो गांव के अंदर सुनते हैं। वरना तो लाहौर वाहौर में तो उर्दू बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन पंजाब के गांव में जो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है पाकिस्तान का, मोस्ट पावरफुल, जहां से फौजी आते हैं, ब्यूरोक्रेसी आती है, पुलिस आती है, जहां के किसान है, जहां के बिजनेसमैन है, पंजाब तो है दिल पाकिस्तान का। तो वहां के लोग जो आम जो गांव का है, जो पिंड वाला बंदा है पाकिस्तान का, वो तो खादिम हुसैन रिजवी को सुन रहा है। आपने उसको मार दिया, और इनको क्या लगता है कि बड़े स्मार्ट है, कोरोना हो गया, ये बेवकूफ लोग हैं बैठे पाकिस्तान में जो पंजाबी हैं, देयर आर फूल्स, वेलकम टू नो, आज नहीं तो कल। ये चीज आज नहीं, एक दो साल के बाद वापस आके इनके लिए एक और बड़ा माइग्रेन बन के मानेगी। इमरान खान तो रहेगा नहीं तब तक, पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत बड़ा हेडेक होगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है बाबा वाज, क्योंकि इन लोगों ने, ये लोग रियलाइज नहीं करते कि अपने अपनी ताकत में, अपने गुरूर में इतने चूर हैं ये लोग, दे डोंट अंडरस्टैंड, यू टच अ पंजाबी इन पाकिस्तान इट विल हैव रिपरकशंस। देखो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आपने अकबर बुख्ती को मारा बलोचिस्तान में, उसके इतने रिपरकशंस नहीं होंगे, 10 बलोच और एक पंजाबी बराबर है। ठीक है, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। आप बलोच मार दीजिए 10, आप 100 बलोच मार दीजिए, सारे खून माफ है। आपने एक पंजाबी को धक्का दे दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज पंजाब एंड पंजाब इज पाकिस्तान, बाकी सिंध विंध ये सब कौन है, नोबडी। कराची की वैल्यू यही है कि वो फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर फाइनेंशियल कैपिटल वाला टैग आप कराची से हटा दीजिए, कौन पूछ रहा है कराची, व्हाट इज कराची गुड फॉर, तो वैसे ही पसंद नहीं करते कराची को। कराची से पैसा आता है, दैट्स 60% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी इज थ्रू कराची, कराची का सिग्निफिकेंस है। वरना तो पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। जो सबसे लंबा चौड़ा तगड़ा लीडर था पंजाब का, उसके परिवार को, उसके परिवार की औरतों को आपने बेइज्जत करा, उसको बाहर भेज दिया जबरदस्ती, भाई भतीजों को जेल में डाल दिया आपने उसके। और यहां पर खादिम हुसैन रिजवी, जो पंजाब का सबसे ज्यादा पॉपुलर मौलाना था, जिसकी तकरीरें पंजाबी में होती थी साहब, जिसकी तकरीरें पंजाबी में होती थी, उसको आपने मार दिया, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। देखो आज नहीं तो एक साल के बाद इनको बहुत लंबा हिसाब चुकाना पड़ेगा इस चीज का। और दोस्तों इसके बाद ये तो पाकिस्तान में जो हुआ वो हुआ, अब इंडिया में देखिए क्या हुआ। इंडिया में कल नगरोटा में, नगरोटा कहां है पहले मैं ये बता दूं, एक तो कश्मीर में नहीं है नगरोटा, जम्मू में है, और जो एक्सेस है जम्मू और उधमपुर का, उस एक्सेस पे, जम्मू उधमपुर एक्सेस पे पड़ता है नगरोटा ऑन द नेशनल हाईवे। अब नगरोटा में 4 जैश के आतंकवादी मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस को टोल प्लाजा पे इंफॉर्मेशन मिली, टोल प्लाजा पे इंफॉर्मेशन मिली और ठोक दिए 4 आतंकवादी, उनके साथ 11 AK-47 और कुछ 28-30 ग्रेनेड और UBGLs, यू नो अंडर बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, और ये सब और काफी चीजें मिली, उनके दवाइयां मिली कराची की मार्केट। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल कि 4 आतंकवादी मारे, 4 के पिछले साल तो 100 मारे थे। इस बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग क्यों हुई, सोचिए इस बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग क्यों हुई, इस बार प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग क्यों चेयर करी, उसमें अजीत डोवाल साहब क्यों थे उस मीटिंग में, और बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर्स क्यों थे उस मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग, ये सोचना है भाई। 15 टेररिस्ट मर जाते, कोर कमांडर तक बात नहीं जाती कश्मीर में। कोर कमांडर हैं जनरल राजू, डू यू थिंक जनरल राजू वुड हैव टेकन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट 4 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड, नो हार्डली। अगर कोई बहुत बड़ा कमांडर नहीं मारेगा, कोर कमांडर डजंट बॉदर, वो नीचे वाले लोग करते रहते हैं उनको, आपके जो भी हैं क्या खास हुआ? अगर यहां पे मेरे हिसाब से, अगर ये यूनिफॉर्म फोर्स का एरिया है राष्ट्र राइफल्स का, उसका जीओसी यूनिफॉर्म फोर्स या कोई भी एरिया होगा जो, ठीक है, डेल्टा फोर्स का एरिया है या रोमियो फोर्स का एरिया है या किसी और भी फोर्स का, आरआर का ना, विक्टर फोर्स का एरिया जो वैली में है, ये सब लोग करते हैं अपना अपना करके, करकुरा के 2-3-4 आतंकवादी तो मरते रहते हैं रोज, क्या फर्क पड़ता है, पिछले से पिछले हफ्ते भी तो मरे थे 2-3 आतंकवादी, तो फिर क्या हुआ, डजंट मैटर। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों
मीटिंग करी चेयर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का वहां पे जाने का क्या मतलब? आपके सीनियर मिनिस्टर्स वहां पे थे, क्यों? ये इसलिए थे क्योंकि इनको कुछ पता लगा है पाकिस्तान के ऊपर, और जो पाकिस्तानी मीडिया, मैंने शुरू में नहीं बोला था पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है, अब मुझे लग रहा है आज के बाद, मुझे मैं पहले सोच रहा था यार क्यों डरे रहते हैं, क्या इनका चक्कर क्या है, व्हाई दे सो स्केयर्ड, व्हाट हैज हैपेंड, कुछ तो नहीं हुआ ऐसा, ठीक है फायरिंग तो जब हम थे तब भी एलसी पे फायरिंग हो रही थी यार, अब मुझे पता लगा क्यों डर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वैभव कि इंडिया ने इस चीज का नोटिस ले लिया है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, और इंडिया कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बालाकोट करेगा इंडिया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये बात तय है कि इंडिया कोई ना कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ ही दिनों के बाद तक कुछ ना कुछ इंडिया करेगा, और मेरे हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे करेगा। दिवाली हो रखी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वायदे दिवाली हो रखी, आग लगा रखी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी ने आजकल। और पाकिस्तानी, एक वीडियो आया था मैंने खुद देखा था रिपब्लिक में, कि इंडियन आर्मी ने जब मारा उसके ऊपर शेल, देखा नहीं मुझे ठीक से, बोफोर्स का था कि एटीजीएम था जो भी था, वहां से दो तीन पाकिस्तानी बंकर से भागते हुए दिखे वहां पे पाकिस्तानी फौजी, तो वहां पे कहर का माहौल है, दहशत का माहौल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और कुछ ना कुछ तो इंडिया करेगा, इनको सबक सिखाने के लिए जरूरी भी है। देखो अक्सर मैं कहता हूं वैभव, मैं यही बोलूंगा कि देखो खून तो बहेगा यार, खून बहेगा, अब वो इंडिया में बहे या पाकिस्तान में बहे ये भारत को तय करना है। हम अगर ये बोले कि हमारा शांति हो जाएगी, अमन की आशा हो जाएगी, और ये बिल्कुल अमन के फाख्ते लोग उड़ाएंगे ना, डव्स ऑफ पीस, दैट्स नॉट गोना हैपन यार, खून तो बहेगा, किसका बहना है ये हमें तय करना है, हमारा बहेगा कि पाकिस्तानियों का बहेगा, अब हमने तय कर लिया कि पाकिस्तानियों का बहेगा। इसमें एक सवाल भी है मेरे मन में, और हो सकता है वैभव कि मैं बिल्कुल गलत ही बात बोल रहा हूं, मेरा एनालिसिस बिल्कुल ही गलत हो, लेकिन बोलना जरूरी है अपने दर्शकों के लिए कि देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी जा रही है, और ट्रंप तो मान नहीं रहा, उसको तो अभी भी लग रहा है दिमाग में कि मैं जीत गया हूं चुनाव, अब वो जाते जाते जाएगा, ट्रंप जाते जाते जाएगा, जो बाइडेन आते आते आएगा, फिर उसकी नई एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी। मुझे लगता है ये जो अनसर्टेनिटी का गैप है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, पुराना जा रहा है, ट्रंप नानुकुर कर रहा है कि यहां के वोट्स दोबारा कम हो गए, ज्यादा हो गए, नकली वोट्स, आई थिंक ये जो ग्रे एरिया है ना, ये जो ग्रे एरिया है, यहां पे एक और छोटी सी दिवाली होगी, ये मेरा मानना है। एंड अगेन आई एम सेइंग आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट मैं ये सोच रहा हूं कि चार आतंकवादी एक टोल प्लाजा पे मिले, और भारत का प्रधानमंत्री जो कि 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुला के मीटिंग करी, नामुमकिन, मैं मानने को तैयार नहीं। सो काफी अच्छा वीडियो था, और सेकंड पार्ट था ये, हमने पहले पार्ट किया था, सेकंड पार्ट में इन्होंने वही आंसर दिया जो पूछ रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पूरा क्लियर नहीं किया, उन्होंने यही कहा कि अगर चार आतंकवादी पकड़े गए हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, उसके लिए जो है अगर प्राइम मिनिस्टर अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिल रहे हैं, अपनी हाई लेवल मीटिंग हो रही है, तो जरूर उनको कुछ पता चला है, मतलब मेजर ये तो चार आतंकवादी हैं, इनसे जो इनको जब पकड़ा है या इन्फॉर्मेशन मिली है, अंदर उनके जो चीजें या उनके बॉडी, मतलब उन्होंने जो अपनी जेबों वगैरह में जो चीजें रखी है, जो भी है, उससे कुछ बहुत बड़ी बात पता चली है, जिसके वजह से इंडिया जो है अभी कुछ बोल रहे हैं एक्शन लेगा, मतलब कुछ वहां पे कुछ हो चुका है, इंडिया को अब पता चल गया है कि उन्होंने कुछ कर दिया है, और रिस्पॉन्स अब इंडियन आएगा। और जैसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बालाकोट की तरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगा, ऐसा नहीं होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही कुछ एक्शन होगा, जैसे बोल रहे हैं अभी बहुत फायरिंग चल रही है काफ़ी, तो वहाँ पर जैसे कह रहे हैं दिवाली बन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिलरी फायरिंग वगैरह चल रही है, तो कुछ एक्शन लिया जाएगा और पता चलेगा हम लोगों को कि क्या हुआ है और क्या होगा, बाद में पता लगेगा, मगर कुछ एक्शन होगा। तो ये मेरे ख्याल से उनका मेन पॉइंट था, और दूसरा उनका मेन पॉइंट था द इम्पोर्टेंस ऑफ पंजाब की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आपने, अगर आपको हिस्ट्री पता है और आपने अगर मैप देखा है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान में जो है पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, और जो है दूसरे एरियाज इतने फर्टाइल नहीं है, रॉकी एरियाज हैं, वहाँ पे इतनी एजुकेशन भी नहीं है, तो सारा कंट्रोल तो असेंशली पंजाब का ही था। अब ऑब्वियसली एक समय पे पूरा रीजन जो था हिंदुइज्म ही था, मगर वहाँ से उज्बेकिस्तान से जिस जिस तरीके से आए हैं, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान से जो लोग आए हैं, उन्होंने कन्वर्ट किया है हिंदूज को
इस रिलीजन में, राइट? तो कन्वर्जन हुआ है, अब जो है उसके बाद पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद मेजॉरिटी जो बड़ा हिस्सा था पंजाब का वहाँ चला गया, हमारे पास छोटा सा एरिया आया जहाँ पे मोस्टली सिख और हिंदूस थे। तो अब ये वही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो थे वो बेसिकली ट्रू पंजाबी हैं, पंजाब के बंदे हैं, लोग उनको जानते हैं, और ऐसे बंदे के साथ अगर तुमने कुछ बुरा किया है तो प्रॉब्लम की है, क्योंकि इमरान खान जो है मेरे ख्याल से वो अपने आप को पठान कहते हैं, तो इसका मतलब वो पंजाबी नहीं है, और नवाज शरीफ पंजाबी थे और पंजाब सबसे पावरफुल है। दूसरा उन्होंने एग्जांपल जो किया था मिस्टर रिजवी का, मिस्टर रिजवी भी पंजाबी थे इन द डिग्री की वो जो अपने सरमन्स देते थे, जो बोलते थे वो भी पंजाबी में जाते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि जितने भी लोग हैं पूरे पंजाब में उनको पंजाबी पहले आती है, तो पंजाबी में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उर्दू जो है वो अलग बात है, उर्दू वो सिर्फ बोल रहे हैं कि वो लाहौर या जो थोड़ी एजुकेटेड सिटीज़ हैं वहाँ उर्दू है, तो एजुकेटेड सिटीज़ में उर्दू है मगर लोकल लोगों की लैंग्वेज पंजाबी है। तो और ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्यों उर्दू वो इन्फोर्स कर रहे हैं लोगों पे जबकि मैक्सिमम लोग जो हैं पंजाबी बोलते हैं, तो उर्दू का चक्कर क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आपको पता है तो बताइए। तो मगर उनका कहना था कि पढ़े लिखे लोग उर्दू वाले हैं और जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं वो पंजाब के हैं, और क्योंकि उन्होंने ये किया है तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा पाकिस्तान में ही। वो कह रहे हैं पाकिस्तान वाले ही बदला लेंगे कि आपने जिस तरीके से ट्रीट किया है मिस्टर नवाज शरीफ को, जैसे आपने ट्रीट किया है और जैसे आपने उनकी बेटी को ट्रीट किया है, उनके दामाद को ट्रीट किया है, और ऑन द अदर हैंड आपने यहाँ पे एक लीडर को मारा है पार्टी के जो प्राइमरली पंजाबी था, तो आप पे कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तब देखेंगे क्या होता है, हमें ज़्यादा पता नहीं है, न्यूज़ मगर इंटरप्रटेशन है, और मगर ये देख के हमें थोड़ा लगा है जो LOC में जो पकड़े गए हैं चार आतंकवादी जिसके लिए इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, तो क्या होगा तो पता चलेगा अभी। होप कि सब कुछ पीसफुल हो, मगर परंतु जैसे कह रहे इनके हिसाब से तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कहीं ना कहीं का खून बहेगा, उनका बहेगा, हमारा बहेगा, पता चलेगा। तो अब हम न्यूज़ देखते रहेंगे कि अल्टीमेटली क्या एक्शन होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं तो शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, कुछ नहीं पता था इस सब के बारे में, पर कमाल है कि मेजर जो है उन्होंने ये सब इंफॉर्मेशन शेयर की है ताकि सबको पता चले, और ऑब्वियसली अलर्ट हो गए हैं अब हम भी, तो रखेंगे नज़र हर न्यूज़ पे और आप लोग हो ही बताने के लिए जैसे कुछ होता है। बस आई जस्ट होप कि एवरीथिंग गोज गुड। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।